दिल्ली की खबर, बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसकी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की आज एक बार फिर से ईडी उन्हें रावज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। ईडी मुख्यालय पर सुरक्षा का पहरा है, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध देखने को मिल रहे हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करेगी। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप नेताओं समेत कार्यकर्ताओं में गुस्सा एक तरफ देखने को मिला, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की रिमांड आज खत्म हो रही है। आज दोपहर एक बार फिर से रावज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी होगी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई आबकारी नीति मामले में उनके पास कई तथ्य हैं, सबूत हैं, वो उन्हें आज कोर्ट में पेश करेंगे। रिया राय जुड़ रही हमारे साथ, हमारे सहयोगी उनके पास चलते हैं। रिया, अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद बताई जा रही है, तस्वीर बताइए क्या है? जी देखिए पंकज, जब इस समय ईडी मुख्यालय पर मौजूदगी है, जिस तरह से आज ईडी कस्टडी की जो रिमांड है वो खत्म होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, और यही वजह है कि आज ईडी मुख्यालय पर जो सुरक्षा का पहरा है वो बहुत ज्यादा तेज किया जा चुका है। अभी आप देख भी सकते हैं कि ये ईडी मुख्यालय की पूरी लोकेशन है जहां पर पूरी तरीके से बैरिकेड्स को लगाया गया है, और लगभग 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जिसमें कि ईडी मुख्यालय से रवाना होंगे अरविंद केजरीवाल, यानी कि जो ईडी है वो उन्हें कोर्ट में ले जाएगी और वहां पर उनकी पेशी करेगी। लेकिन अभी तक देखिए तथ्यों की अगर बात करेंगे तो बहुत कुछ जो है तथ्य निकल कर आए हैं, जिनमें कि ये कहा जा रहा है कि ईडी अब आगे जाके जो अपने तमाम अगर बात करें तो जो भी सोर्सेस है उनके बिहाफ पर जो कस्टडी है वो और भी ज्यादा मांग सकती है। इस तरीके की जो तमाम सूचनाएं हैं वो मिल रही हैं, लेकिन इस बीच में अगर आप देखेंगे तो गिरफ्तारी को लेकर, यानी कि ईडी की कस्टडी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में एक रोष बना हुआ है। लेकिन खास बात आज ये भी है क्योंकि देखिए एक तरफ कस्टडी भी खत्म हो रही है और वहीं पर ऐसे क्यास भी है कि ईडी अब आगे की जो रिमांड है वो कहीं ना कहीं पर उसको बढ़वाने की मांग कर सकती है। लेकिन ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक बात ये भी कही है कि आज जब वो कोर्ट में पहुंचेंगे तो एक ऐसा बड़ा खुलासा जो है उनकी तरफ से करेंगे जिससे कि बहुत सारे तथ्य हैं वो खुद ही क्लियर हो जाएंगे, जिनमें ये कहा गया है कि आबकारी नीति में ऐसे जो घोटाले की बात की जा रही है, फंडिंग की बात की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं पर तथ्यों का खुलासा हो सकता है। हालांकि वहीं पर अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ खरीद अगर बात करें तो एमएलए को जो पोल्स हैं उनको लेकर भी आम आदमी पार्टी ने एक निशाना अलग तरीके का साधा है, यानी कि माहौल जो है वो अलग अलग तरीके से और अलग अलग आधारों पर लगातार बनता नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं पर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस समय आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको खरीदने की कोशिश कर रही है और उन्हें जो कॉल है वो जा रहे हैं, तो वहीं पर ईडी की कस्टडी में, यानी कि आप जब कॉल या जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है नई आबकारी नीति मामले में आज जब पेशी होगी तो कोर्ट के सामने वो सबूत और तथ्य रखेंगे, वो नए होंगे और वो चौंकाने वाले भी होंगे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई कि वो क्या चीज होने वाली है ऐसी? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें कि जैसे कि उन्होंने खुलासे के बारे में कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है एक बड़ा खुलासा जो है वो कोर्ट के समक्ष करने वाली है, क्योंकि कोर्ट में अगर देखेंगे तो अभी तक ईडी जो है वो कई सारे ऐसे सबूत है जिन पर मंथन अपना जाहिर कर चुकी है, जिनमें कि अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो आरोप है यानी कि आबकारी नीति मामले में उसमें लगभग 15 से 16 जो नाम है वो आ चुके हैं। लेकिन वहीं पर अगर आबकारी नीति मामले में बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता जिनमें की अगर देखिए मनीष सिसोदिया जो है वो भी सलाखों में है, वहीं पर संजय सिंह और साथ में अब उनकी जो मुखिया है यानी अरविंद केजरीवाल, लेकिन क्या ऐसा बड़ा खुलासा करने आज से इस पर आधारित होगा, इन तमाम जो सवाल है वो लगातार। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा रिया, आपके पास फिर हम अपडेट के लिए आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल।